गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, नमस्कार, जय श्री राम। और आज है अष्टमी और हमारे यहाँ क्योंकि अष्टमी ही पूजी जाती है, हालांकि हम इस बार व्रत नहीं रख पाए, लेकिन जो है पूजा पाठ का काम वो तो हमारे यहाँ जारी रहता है, और उसी लिए आज अष्टमी मनाई गई है। और काजोल ने आज खाने में बनाया है, भोग में बनाया है, बेसिकली पूजा में बनाया है, छोले, हलवा, पूड़ी, रायता और ये चटनी, और यह साथ में चटनी। और आज काजोल सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठ के नहा धो करके पूरा सारी कार्रवाई पूरी करी। इनफैक्ट अभी भी ये लगी हुई है। आज अंबिका का बर्थडे भी तो है, आज अंबिका का बर्थडे। ये फूली फूली पूड़ी, भोग तो लग गया, विकास रह रहे थे तो फिर मैंने रोक दी थी, मैंने कहा जब खाएंगे तभी गरम गरम सीखूं। तो जी मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता खाना यही होगा अब तो, 11:30 बज गए हैं तो अभी ये आज पानीपत में जो बुआ जी हैं उनका बेटा है अंकु, उसकी वाइफ अंबिका, उसका आज बर्थडे है, तो हमारे सब लोगों की तरफ से अंबिका को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निशांश, हैप्पी बर्थडे मम्मी। चलिए करते हैं नाश्ता खाना। शाम के बज गए हैं 4:25 और आज बहुत दिनों के बाद मुझे दिन में सोने का मौका मिला। हुआ ये कि काजोल चली गई थी सलून पे और फिर मुझे कोई काम नहीं था, फिर मैं गया सो, और मैं सोया करीब 2-2.5 घंटे है, 2.5 घंटे में आए होंगे तो वहां से 2-2.5 घंटे में सोया हूँ। 12 बजे गई थी और करीब आई हूँ मैं 3:30। हाँ तो मैं बस, हाँ 12 बजे सो रहा था तुम ही ना, तब आप सो गए, तुमने मुझे उठाया नहीं था। और सलून से आ गई थी तो फिर चाय बनाने का था कि चाय बना रही है, मैंने चाय चढ़ा रखी है और ये ऑलमोस्ट रेडी है, वो सब छाननी है, छान करके काजोल ने रात के खाने की प्रिपरेशन भी कर दी है, छोले सुबह के बनाए थे इन्होंने और अब चावल बना दिए हैं, तो आज सुबह छोले पूड़ी हलवा खाया था और अब रात को खाएंगे हम छोले और चावल, और बस चाय पी के देखते हैं क्या करना है। आज शायद वसुंधरा चलना है ना बेटो? हाँ, 2-4 काम है। वसुंधरा जाएंगे, कुछ काम है उसको निपटा के आते। सोसाइटी में गरबे का आयोजन किया गया था लेडीज़ों के द्वारा, तो लेडीज़ वहाँ पे गरबा करने के लिए इकट्ठा हुई थी, तो काजोल उसके बाद फिर वहाँ पे गरबा वाले प्रोग्राम में चली गई और वहाँ पे सब लेडीज़ ने गरबा किया। और ये हर साल होता है हमारी सोसाइटी में, इस बार थोड़े बड़े स्तर पे किया गया था और काजोल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से चल रही थी हमारी सोसाइटी में, लेडीज़ कर रही थी और गरबे के आयोजन पहले से ही तय था, तो सब लोगों ने पूरी प्रैक्टिस के साथ, पूरे धूम के साथ और पूरी मस्ती के साथ गरबा किया और गरबे में गरबे का पूरा आनंद उठाया। और यहाँ पे सोसाइटी की ये ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ थी, आम तौर पे इतनी सारी लेडीज़ किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन पहली बार देखा गया कि गरबा में, इसमें गरबा डांस में बहुत सारी लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया हुआ था और वाकई में बहुत ही बढ़िया लगा सब लोगों को। रात के बज गए 8:30 और खाना खाया था काफ़ी देर पहले, हालांकि भूख तो कुछ लगनी नहीं थी, लेकिन काजोल ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखती हूँ तो आज मेरी तरफ से मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं, ये मुझसे जबरदस्ती बनवाई जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है मुझे। तो प्रताड़ित कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा। तुम्हें हाँ निशु कर रही है।
ऐसा पता नहीं क्या पता ही रहे, इसकी फोन पे डिमांड चलती रही ना, बड़ा दुखी करा मुझे। फोन पे इसे फोन पे फोटो में भेज दिया करो, नहीं तो कह रही ना बड़ा दुखी करा मुझे। इसे फोन में ही ना फोटो खींच कर भेज दिया करो, या स्क्रीनशॉट लेकर के ना व्हाट्सएप से, गूगल से, गूगल पे से, और ना भेज दे ले खा ले। तो वैसे बना के रही हो तुम भाई दीवे? कुछ तो बनाऊंगी, जब बन जाएगा जब दिखाऊंगी। कटिंग चल रही है, चॉपिंग, और ये तेल चढ़ा दिया है। चॉपिंग तो शेफ करें, और तुम क्या करो फिर? हम जैसी औरतें तो धनिया काटते हैं। धनिया काट रही हो? मैं धनिया, चलो बढ़िया है। चलो मैंने तेल चढ़ा दिया, सरसों का। यस, वही मैं कह रहा था ना, सरसों का तेल लेना है। हाँ जी, ये सरसों का तेल है। ये है जी आलू की पुट्ठी बन रही है, और ये बना रही हूँ मैं ब्रेड रोल। और ब्रेड रोल बन रहे हैं निशु की फरमाइश पे, तो हमने इसमें प्याज नहीं डाली है क्योंकि उसे प्याज में से आती है स्मेल। इसमें रखो आलू और ऐसे ऐसे करके, और ये जी हो गया। और ये मैं डाल दूंगी अभी इसे कढ़ाई में। ये बन गया जी फाइनली, लो जी खाओ आप सभी। आज सुबह मैं उठा तो मैं थोड़ी तबीयत ठीक से नहीं थी, और दिन में सब ने सब काम वाम करे, नहाए धोए, तैयार हुआ ऑफिस के लिए। आज ऑफिस जाना था मुझे, लेकिन महसूस हुआ कि लगता है बीपी हाई हो रहा है मेरा आज, जिसकी वजह से मुझे बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, पसीना आ गया था मुझे और वोमिटिंग फील हो रही थी, हुई भी है सिर में दर्द। तो इस वजह से फिर मैंने चेंज किया, चेंज करके मैंने फिर आज वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, और आज मैं घर से काम करूँगा क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही जाने की बिल्कुल भी, इसलिए आज वर्क फ्रॉम होम है, आज दिन भर घर से ही काम करूँगा। हाँ बस ये अच्छी बात है, ऑप्शन है तो हो जाता है, अदरवाइज फिर छुट्टी लेनी पड़ती। ऑलरेडी इतनी छुट्टियाँ मैं ले चुका था और आज फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ती तो थोड़ा सा इम्प्रेशन ठीक नहीं जाता है। बाकी ठीक है, रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद फिर ऑफिस स्टार्ट करूँगा। 9:30 बज गए और ठीक है, करता हूँ नाश्ता। तो जी बज गए हैं 2:15, तबीयत ख़राब थी, दवाई खा करके मैं थोड़ा रेस्ट किया, और रेस्ट करके अब थोड़ी भूख सी लगी तो मैं खाना लेकर गया हूँ। काजोल ने मेरा ऑफिस का लंच पैक कर दिया था तो इसलिए खाना मेरा ऑलरेडी था ही बना हुआ। बाकी काजोल गई हैं अपने चाचा जी के यहाँ, उनके चाचा जी की आज गृह प्रवेश है, हाउस वार्मिंग है, तो उसके लिए वहाँ गए हुए हैं। और मैं और यशांश हम दोनों घर पे हैं। पहले यशांश भी जा रहा था लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से फिर यशांश भी नहीं गया, और फिर मैं ऑफिस भी नहीं गया था तो इसलिए मैं घर पे ही था। तो यशांश ने अपने लिए लिया है छोले और राइस। क्या मामला है ये? छोले राइस का मामला है। छोले राइस का मामला है, राइट, शाबाश। और मेरे लिए काजोल ने बना गई थी दाल और रोटी। अब भूख लग रही है, भूख अब थोड़ी वीकनेस आ रही है मुझे एक्चुअली, तो मैं बस इसे खा करके थोड़ा सा और रेस्ट करूँगा, और रेस्ट करके फिर अपने काम में लगेंगे। ये जल्द से पहले स्पर्श कराएं।
बस स्पर्श करा दीजिए, पर स्पर्श करा तो फिर ले लीजिए, स्पर्श कराए वहाँ पर। हाँ, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि आई सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सारिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयतंगिरिं जल कृपानाहं वंदे जगराजी उपज नहीं अच्छी बात नहीं है यार। पापा बुआ जी हेलो करो, पुपाई को तो नजर लगे। पापा मम्मी बुआ जी फूपा जी संदीप चाचा सब चल दिए। चलो बुआ जी बाय बाय।